आ गया ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं लिब्रा टाइम से चांद। पिछले वीडियो में आवाज़ ठीक नहीं होने की वजह से हमें फ़ोन आए, तो ये दूसरा वीडियो है। तो आने वाली 24 तारीख को, 24 अक्टूबर को जुमेरात के दिन जो है, तेलंगाना हाई कोर्ट में केस क्लबिंग और SFIO को लेकर डेट है। पिछली तारीख 21 अगस्त थी। 21 अगस्त के बाद में जो है लंबी, मतलब वहाँ पे जो है मामला चला, और वहाँ के सुधाकर रेड्डी ने, वहाँ पे उनके असिस्टेंट ने केस को जो है मेंशन करने के लिए कोशिश किए, लेकिन वहाँ पे मेंशन नहीं हुआ। आखिरकार सुधाकर रेड्डी को सर्कुलेशन लेटर जमा करना पड़ा, और सर्कुलेशन लेटर जमा करने के बाद पिछली तारीख को 177 नंबर पे केस आया था, और उसके बाद में जो है अभी 24 अक्टूबर को डेट है। और 24 अक्टूबर को तेलंगाना हाईकोर्ट में केस क्लबिंग और SFIO को लेकर सामने वाले वकीलों की जो है आर्गूमेंट है। तो वहाँ पे 16 डिपार्टमेंट को नोहरा शेख की तरफ से जो है पार्टी बनाया गया था, तो देखते हैं इंशाल्लाह उन 16 डिपार्टमेंट की तरफ से काउंटर होता है क्या होता है। और उसके बाद में उसी 24 अक्टूबर को नामपल्ली सेशन कोर्ट में रजिस्टर ऑफ कंपनी के 16 केसेस की भी डेट है। उन 16 केसेस में पिछली तारीख को उनको वहाँ पे कोर्ट पे प्रोड्यूस किया गया था। प्रोड्यूस करने के बाद में वहाँ पे उनको वापस से जो है अगली तारीख 24 अक्टूबर दी गई। और उसके बाद में जो है उसी 24 अक्टूबर को चीफ जज साहब हैदराबाद में नोएडा शेख की तरफ से 100 करोड़ रुपए का डेफेमेशन केस असुद्दीन अवैसी के खिलाफ किया गया था, तो उसकी जो है ट्रायल चालू हो चुका है, और उसकी भी तारीख जो है 24 अक्टूबर है। और उसके बाद में जो हम आते हैं उसी, मतलब हैदराबाद हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ हैदराबाद की तरफ से हैदराबाद पे, वहाँ पे जो है नोएडा शेख ने शहबाज अहमद खान की तरफ जो है एक सिविल सूट, ओरिजिनल सूट फाइल किया था, उसकी तारीख जो है 1 नवंबर को है, उसकी भी डेट पड़ती आ रही है 1 नवंबर को है। तो इंशाल्लाह देखते हैं वहाँ पे इन तारीखों में क्या होता है, और उन तारीखों के बीच में आपसे जो भी अपडेट मिलेगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और एक आपको जानकारी दे दें कि पिछली 10 अक्टूबर को मौलिक थॉमस की बेल अप्लीकेशन जो है हाई कोर्ट में थी, और 10 अक्टूबर को उनको उस केस, उनकी बेल अप्लीकेशन पे ऑर्डर आना था। तो वो जो ऑर्डर, वो बेल अप्लीकेशन FIR नंबर 97, FIR नंबर 99 और FIR नंबर 139 की बेल अप्लीकेशन थी, जो हाई कोर्ट में 10 अक्टूबर को जो है डिसमिस हो गई। तो ये एक जानकारी थी जो आपको देनी रह गई थी, वो थोड़ी देर से मिली है, तो इंशाल्लाह आप लोग उसे शेयर कर लीजिएगा। और उसके बाद में जो है हम आते हैं मुंबई हाईकोर्ट की तरफ। मुंबई हाईकोर्ट में जो है निज़ामपुरा भिवंडी पुलिस स्टेशन के केस की डेट है 7 नवंबर को, और 7 नवंबर को जो है वहाँ पे केस जो है मेन बोर्ड पे है। और उससे पहले 14 अक्टूबर को तमन्ना शेख ने नोएडा शेख का 45 पन्नों का एक एफिडेविट जो है वहाँ पे सबमिट किया है, हमें कोर्ट की वेबसाइट से पता चला है। और साथ ही साथ हमें ये भी पता चला है कि वहाँ पे एक इंटरवेंशन बेल के ऊपर जो है इंटरवेंशन भी जो है किसी ने फाइल किया है। तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है 7 नवंबर को, तो उसकी भी जो भी अपडेट रहेंगी और जो भी अपडेट हमें मौसूल होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके बाद में हम आते हैं आपको बता दें कि मुंबई हाईकोर्ट में केस क्लबिंग को लेके और SFIO को लेके जो डेट थी, उस डेट में सर्कुलेशन लेटर जमा हुआ। सर्कुलेशन लेटर जमा होने के बाद में मुंबई हाईकोर्ट में वकील तमन्ना शेख ने जो है उसे प्रोडक्शन बोर्ड पे लिए। पिछली तारीख पे प्रोडक्शन बोर्ड वहाँ पे बैठा नहीं, और ना बैठने की वजह से उस पर तारीख लिस्टिंग नहीं हुई। तो अब भी वो केस जो है प्रोडक्शन बोर्ड के स्टेज पे है, तो देखते हैं इंशाल्लाह ताला। अभी वहाँ पे दिवाली की छुट्टियाँ 23 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक दिवाली की छुट्टियाँ हैं, उसके बाद में प्रोडक्शन बोर्ड बैठने वाला है, हमें इसकी इत्तला मिली है। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि दिवाली के बाद प्रोडक्शन बोर्ड पर केस आता है, या सप्लीमेंट्री बोर्ड पर आता है, या फिर मेन बोर्ड पर चलता है। तो जो भी रहेगा इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये अब तक की हमारे पास अपडेट रही, तो इंशाल्लाह आप लोग बने रहिए, जिस तरह हम अपडेट मिलती रहेंगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं लिमरा टाइम से चांद। माता से कितना चिल्लाती है वो।